ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ और पिंड पिंड जाके जिहड़ा इलैक्शन कमीशन वो नवीं वोटां रजिस्टर करे फेयर तरीके नाल बोनाफाइड लोग एलीजिबल वोट लोग जिहड़े आ वो वोटर बन नहीं तो अतीत हुंदा रहा है भी जिहड़े लोग इलैक्शन लड़दे सी वो अपने फेवरेट लोगों की लिस्ट दे दिंदे सी उही उन्हां दे वोटर उन्हां नूं वोटां पा के कर दिंदे। सो एक तो साडी सिख चिंतकां नूं पंथ दर्दियां नूं अपील है कि वध तों वध लोगों नूं प्रेरित करन कि बोनाफाइड जिहड़े एलीजिबल लोग है गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोटर बन ली वो ये अपने आप को रजिस्टर्ड करो, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहेगी। और लंबे समय तो जिहड़ी ये लोगों की मंग है कि एक परिवार का कब्जा जिहड़ा आ वो SGPC तो खत्म किया जाए और लोग अपने साफ सुथरे अक्स वाले ईमानदार जिहड़े लोग जिहड़े अपने नुमाइंदे उत्थे चुन के भेजन ताकि गुरद्वारा प्रबंध नूं होर बेहतर तरीके नाल जिहड़ा आ वो चलाया जाए और सिख संस्था जिहड़ी महान संस्था उहदे अक्स नूं जिहड़ा आ वो बचाया जाए। लंबे समय तो पेंडिंग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन जिहड़े आ उहनां दी प्रक्रिया जिहड़ी आउण वाले 21 अक्तूबर तो शुरू होण जा रही है। मान साहब की सरकार ने इनश्योर किया है कि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन प्रक्रिया नूं लैके जिहड़े करोड़ां लोगों की भावना सी, डिमांड सी, उस भावनावां की कदर करते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि गुरद्वारा कमीशन नूं हरेक तरीके की सुविधा असिस्टेंट और कर्मचारी जिहड़े आ उह दित्ते जाणगे और पिंड पिंड जाके जिहड़ा इलैक्शन कमीशन वह नवीं वोटां रजिस्टर करे फेयर तरीके नाल बोनाफाइड लोग एलीजिबल वोट लोग जिहड़े आ वो वोटर बन नहीं तो अतीत हुंदा रहा है भी जिहड़े लोग इलैक्शन लड़दे सी वो अपने फेवरेट लोगों की लिस्ट दे दिंदे सी उही उन्हां दे वोटर उन्हां नूं वोटां पा के कर दिंदे। सो एक तो साडी सिख चिंतकां नूं पंथ दर्दियां नूं अपील है कि वध तों वध लोगों नूं प्रेरित करन कि बोनाफाइड जिहड़े एलीजिबल लोग है गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोटर बन ली वो ये अपने आप को रजिस्टर्ड करो, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहेगी। और लंबे समय तो जिहड़ी ये लोगों की मंग है कि एक परिवार का कब्जा जिहड़ा आ वो SGPC तो खत्म किया जाए और लोग अपने साफ सुथरे अक्स वाले ईमानदार जिहड़े लोग जिहड़े अपने नुमाइंदे उत्थे चुन के भेजन ताकि गुरद्वारा प्रबंध नूं होर बेहतर तरीके नाल जिहड़ा आ वो चलाया जाए और सिख संस्था जिहड़ी महान संस्था उहदे अक्स नूं जिहड़ा आ वो बचाया जाए। लंबे समय तो पेंडिंग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन जिहड़े आ उहनां दी प्रक्रिया जिहड़ी आ आउण वाले 21 अक्तूबर तो शुरू होण जा रही है। मान साहब की सरकार ने इनश्योर किया है कि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन प्रक्रिया नूं लैके जिहड़े करोड़ां लोगों की भावना सी, डिमांड सी, उस भावनावां की कदर करते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि गुरद्वारा कमीशन नूं हरेक तरीके की सुविधा असिस्टेंट और कर्मचारी जिहड़े आ उह दित्ते जाणगे और पिंड पिंड जाके जिहड़ा इलैक्शन कमीशन वो नवीं वोटां रजिस्टर्ड करे फेयर तरीके नाल बोनाफाइड लोग एलीजिबल वोट लोग जिहड़े आ वो वोटर बन नहीं तो अतीत हुंदा रहा है भी जिहड़े लोग इलैक्शन लड़दे सी वो अपने फेवरेट लोगों की लिस्ट दे दिंदे सी उही उन्हां दे वोटर उन्हां नूं वोटां पा के कर दिंदे। सो एक तो साडी सिख चिंतकां नूं पंथ दर्दियां नूं अपील है कि वध तों वध लोगों नूं प्रेरित करन कि बोनाफाइड जिहड़े एलीजिबल लोग है गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोटर बन ली वो ये अपने आप को रजिस्टर्ड करो, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहेगी। और लंबे समय तो जिहड़ी ये लोगों की मंग है कि एक परिवार का कब्जा जिहड़ा आ वो SGPC तो खत्म किया जाए और लोग अपने साफ सुथरे अक्स वाले ईमानदार जिहड़े लोग जिहड़े अपने नुमाइंदे उत्थे चुन के भेजन ताकि गुरद्वारा प्रबंध नूं होर बेहतर तरीके नाल जिहड़ा आ वो चलाया जाए और सिख संस्था जिहड़ी महान संस्था उहदे अक्स नूं जिहड़ा आ वो बचाया जाए।